बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ मैंने हाफ़ के जी कलेजी लिए, छोटे छोटे पीसेस कटवा लिए हैं इसके, और बिना धोए इसमें 7 से 8 जवे लहसुन के कुचल के छिलकों के साथ डालना है। छिलकों के साथ लहसुन को कुचल के कलेजी में लगाना है ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो चली जाएगी। और फिर 15 मिनट इसको ऐसी छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद इसको अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसकी सारी स्मेल निकल जाएगी। ये देखें, 15 मिनट हो चुके थे, मैंने इसको वॉश कर लिया है, लहसुन के छिलके लहसुन को वॉश कर दिया। और देखें, ये अच्छे से निकल आई है, कोई स्मेल नहीं है इसमें। अब मसालों में मैंने आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 चम्मच चाय का लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, मेथी दाने लिए हैं तकरीबन 7 से 10 अदद, और आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच जो है वो धनिया पाउडर है, और नमक है आधा चाय का चम्मच। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च डाल सकते हैं। 2 मैंने मीडियम साइज़ की जो है वो प्याज ली थी, इनको रफली काट लिया है, इसका पेस्ट बनाऊंगी। और 1 जो है मैंने टमाटर लिया है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून, और ऑयल जो है वो अपने हिसाब से डालिएगा। मैं यहाँ 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले रही हूँ। ऑयल गर्म हो जाए तो मेथी दाना डाल दें। मेथी दाना का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो आपने इसमें जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो डाल देना है। और प्याज को यहाँ तक हम फ्राई करेंगे मीडियम आंच पर कि ये गोल्डन सी हो जाए, तकरीबन गुलाबी कलर। और फिर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और पीसे मसाले डाल देंगे, गर्म मसाला और नमक को छोड़ के। अब इसको अच्छे से फ्राई करें, 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर दें, अच्छे से फ्राई करें। फ्राई करने के बाद फिर इसमें टमाटर डाल दें, टमाटर को गल जाने तक कुक करते हैं। ये देखें, टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब इसको सिर्फ हम भूनेंगे, खूब अच्छे से भूनेंगे ताकि ऑयल जो है इसका सेपरेट हो जाए और मसाले की खुशबू अच्छी आने लगे। फिर इसमें हम कलेजी ऐड कर देंगे। कलेजी को 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद फिर हम गरम मसाला डाल देंगे इसमें और हरी मिर्चें डाल देंगे, और फिर आधा कप के बराबर हम पानी डाल के और इसको कुक करेंगे। आधा कप पानी ज़रूर जाएगा इसमें, और फिर हम इसको कुक करेंगे 5 से 7 मिनट। देखें, ये गल चुकी है 5 से 7 मिनट के अंदर। अब इसको फ्राई करते रहेंगे। अब इसमें नमक भी हमने ऐड कर दिया है, और फिर इसमें हरा धनिया डालेंगे। अब गार्निश के लिए हरी मिर्चें डालेंगे। ये देखें, गार्निश हरा धनिया और हरी मिर्च से करें। अब ये रेडी है, तकरीबन 10 मिनट के अंदर इसको रेडी करना होता है वरना ये हार्ड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।